तो सबसे पहले बैंगन को हम कट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो बैंगन के अगर आप इस साइड से काटेंगे तो ये पीस थोड़ा मोटा कटेगा और छोटा बड़ा साइज़ में कटेगा, एक साइज़ का नहीं कटेगा। तो इसलिए हम इस तरह से काटेंगे। मैंने इसका डंठल काट के पहले निकाल दिया। तो आपको इस तरह से काटना है ताकि ये राउंड में भी कट जाएगा और पीसेस भी बड़े बड़े साइज़ के कटेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे पीस एक जैसे ही कटे हैं। और आप थिकनेस देख लीजिए, इससे ज़्यादा ना मोटा और ना ज़्यादा पतला हमें काटना है। तो अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं जिसमें हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ लिया है मैंने चावल का आटा 1 चम्मच जितना। चावल आटा नहीं है तो इस जगह पे आप बेसन भी ले सकते हैं 1 चम्मच जितना ही, बड़े चम्मच। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है, और ये मेरे घर का बना हुआ मसाला है जो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी कि मसाला कैसे बनाते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं और जीरा पाउडर डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच जितना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, डालिएगा ज़रूर। ये पेस्ट ऐसा बनाना है, इसे बिल्कुल लिक्विड नहीं करना है। तो अच्छी तरह से कोट हो जाए बस इतना ही, हमें इसे गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये देखिए पेस्ट के जैसा मैंने इसको बना लिया है। अब इसमें एक एक बैंगन को मैं डिप करती जाऊंगी और साइड रखती जाऊंगी। तो चलिए वो देख लेते हैं कैसे कोट करना है। तो इस तरह से उलट पलट के आपको बैंगन को मसाले में डिप करते जाना है और एक तरफ साइड रखते जाना है। तो इसी तरह से डिप करके मैं सारा जो बैंगन के पीसेस हैं उसको कोट कर लूँगी। और इसे 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा मैरिनेट होने के लिए। तो उससे और भी अच्छा स्वाद आएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट रखने के बाद फिर हमें इसे फ्राई करना है। तो ये 5 मिनट हो गया था रखे हुए। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने मसाले को कोट किया है, फ्रंट से भी और बैक से भी। इस तरह से अच्छी तरह से कोट होने चाहिए तभी इसमें टेस्ट आएगा। तो अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मुझे इसे डीप फ्राई नहीं करना है, बहुत ही शैलो फ्राई करना है। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, और इसको मैं अच्छी तरह से बर्तन में फैला रही हूँ जिससे कि ये तले में चिपके नहीं हमारा जो बैगन है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे रख दीजिए, थोड़ा गैप में रखिएगा, ओवरलैप करके मत रखिएगा ताकि पलटने में हमें आसानी हो। तो आप चाहें तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऑयल बहुत ही कम डालना है जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपने ज़्यादा ऑयल डाल दिया तो सारे मसाले जल जाएंगे और फिर इसमें कोई स्वाद नहीं आएगा, जले हुए मसाले का स्वाद आएगा। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए बस ढक के रखूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसे हटा दूँगी और फिर पलट दूँगी। तो आप ये देखिए ये हल्का सा पक गया है और सॉफ्ट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर इसे नहीं ढकना है, तो यहाँ पर मैं एक तवे पर भी आपको बना के दिखा रही हूँ। तो तवे पर जो ये बीच में जगह है ना, मैंने यहीं पर 1 चम्मच जितना ऑयल डाला है और इसी को ही स्प्रेड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा ऑयल इसमें लगेगा ही नहीं। बहुत ही कम तेल में बहुत ही स्वादिष्ट डिश बन के ये तैयार होती है आपकी, ये एक साइड डिश के रूप में, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और देखिए जैसे आपको लगे कि ये बहुत ड्राई हो रहा है, तो मैंने 1/2 चम्मच जितना ये बस सेंटर में ही मस्टर्ड ऑयल डाला है। ये वैसे सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, वैसे आप अपने पसंद के ऑयल में बना सकते हैं। लास्ट में मैं यहाँ पे ये चाट मसाला, या अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो डाल दीजिएगा, इससे स्वाद और भी टेस्टी और चटपटा हो जाएगा इसका। तो बस इस तरह से इसको डैब डैब करके देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हुआ है, कितनी अच्छी तरह से ये रोस्ट हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा ये साइड डिश है आपके लंच के लिए। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर। मुझे खाना सजाना तो नहीं आता है, लेकिन खाने में स्वाद कैसे लाते हैं ये मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा तो आप भी जान जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो आपको और भी अच्छे अच्छे और बेहतरीन डिश देखने को मिलेंगे।